व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान। एंड गाइस, हमारी फैट टू फिट 120 डेज की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका डे 44 है। आज है मंडे और आज हम हमारा शेड्यूल को चेंज करने वाले हैं। तो हमारा शेड्यूल किस तरह से चेंज होने वाला है उसको समझ लीजिए। हम हमारे वर्कआउट सेशन जो हमारा था, हमारे कार्डियो और वेट ट्रेनिंग वालों को, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक टाइम पे आपको वेट ट्रेनिंग करना है और एक टाइम पे आप करेंगे आपका कार्डियो सेशन। तो ये किस तरह से होने वाला है उसको समझ लीजिए। जिस भी टाइम आप मॉर्निंग या इवनिंग में से आप जिम में जाते हो वर्कआउट करने, तो आप उस टाइम पे जो भी आपको सुटेबल लगे, मॉर्निंग या इवनिंग, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे। वेट ट्रेनिंग में हम ट्रेन करने वाले हैं, जैसा कि हमारा आज मंडे है, डे 44 है, तो आज हम वेट ट्रेनिंग में हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे चेस्ट मसल को और हमारे ट्राइसेप मसल को। तो चेस्ट और ट्राइसेप का वर्कआउट किस तरह से होने वाला है, हम हमारे चेस्ट मसल्स के लिए 5 वेरिएशन लगाएंगे और हम हमारे उसके बाद में चेस्ट मसल जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम हमारे ट्राइसेप का जो मसल होता है, ये ट्राइसेप मसल, इसके लिए हम हमारे 4 वेरिएशन लगाएंगे। तो 5 वेरिएशन आपके चेस्ट के होंगे, 4 वेरिएशन आपके ट्राइसेप्स के होंगे। उसके बाद में फिर आपको एब्स को किस तरह से ट्रेन करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं और समझते हैं कि हमको हमारा जो मेन वर्कआउट है चेस्ट और ट्राइसेप का, उसको किस तरह से करना है और उसमें हमको जो मैंने आपको 5 वेरिएशन का बोला है उसमें से वो 5 वेरिएशन कौन कौन से जिसको आपको परफॉर्म करना है। तो हमारा जो मेन वर्कआउट है उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका मेन वर्कआउट होगा, लेकिन जैसे ही आपका वार्म अप कंप्लीट होता है फिर आपको क्या करना है, फिर आपकी 2 एक्सरसाइज करोगे, जैसा कि हमारी सीरीज में चलता आ रहा है कि हम हमारा मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से वार्म हो जाती है। तो आज भी हम वही करेंगे, हमारा मेन वर्कआउट जो हमारे चेस्ट और हमारे ट्राइसेप का है उसको स्टार्ट करने से पहले 2 एक्सरसाइज करेंगे। तो 2 एक्सरसाइज कौन सी है, चलते हैं उन 2 एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमको जो 2 एक्सरसाइज करनी थी उसमें से जो पहली एक्सरसाइज है वो है पुशअप। पुशअप के आपको 15-20 रिपीटेशंस लगाने और इसके 2 सेट लगाने हैं। इस तरह से देख लीजिए, पहले हम लगाएंगे पुशअप्स, ये इस तरह से आपको पहले पुशअप्स लगाने हैं। तो आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो है आपके पुलअप्स, इसके भी आपको 2 सेट लगाने हैं और आप मैक्सिमम रिपीटेशंस लगाने की कोशिश करें। देख लीजिए पुलअप्स को किस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको शोल्डर विथ ग्रिप रखनी है, हाथों के बीच का डिस्टेंस रखेंगे हम, शोल्डर इतना यहां से पैरों को ऐसे क्रॉस करना है पीछे और आपको सीधा ऊपर आना है, ये ऊपर है एंड स्लो डाउन, ये फुल रेंज में आपको मूवमेंट को परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको मेन वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 2 एक्सरसाइज करनी है जो मैंने आपको करके बताई है। पहली है आपकी पुशअप और दूसरी है आपकी पुल अप। अब हम चलते हैं हमारे चेस्ट और ट्राइसेप के मेन वर्कआउट की तरफ। तो हमारी पुशअप और पुल अप को कंप्लीट करने के बाद में हमारा मेन वर्कआउट स्टार्ट होता है हमारे चेस्ट मसल का। तो चेस्ट मसल में हम जितनी भी एक्सरसाइज करने वाले हैं उनके 3-3 सेट लगाएंगे, रिपीटेशन हम वही रखेंगे 12-15। तो देख लीजिए कि हमको किस तरह से हमारे चेस्ट मसल को परफॉर्म करना है। तो चेस्ट मसल वाले वर्कआउट की जब बात आती है तो हम सबसे पहले परफॉर्म करेंगे हमारी फ्लैट बेंच से। आपको फ्लैट बेंच के 3 सेट लगाने हैं, किस तरह से परफॉर्म करेंगे देख लीजिए। ये मैंने ग्रिप किया, अब सीधा आप लोअर चेस्ट को बाहर को लेके आओगे एंड सीधा पुश करोगे ऊपर। जब ऊपर पुश करोगे तो मसल को स्क्वीज करोगे आप, और ब्रीथ आउट, मुंह से सांस बाहर छोड़ना है। जब हम ऊपर प्रेस करेंगे तो मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। तो पहली एक्सरसाइज हमारे हो गए फ्लैट बेंच प्रेस। अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। तो आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस, डंबल से आपको परफॉर्म करना है। आपको डंबल रखना है सीधे आपके चेस्ट के ऊपर, यहां से सीधा आपको ऊपर प्रेस करना है इस तरह से, और ऊपर हल्का सा गैप बना के रखना है। जब नीचे लाओगे तो मूवमेंट कंट्रोल में रहेगा स्लो, और ऊपर पुश करोगे आप डंबल्स को और मसल को स्क्वीज करोगे। ये नीचे लेके आए, ऊपर पुश किया, मसल स्क्वीज, और जैसे ही ऊपर पुश करेंगे मुंह से सांस भी हमको बाहर छोड़ना है। इस तरह से आपको इंक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म करना है। हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस। जैसा हमने फ्लैट बेंच को परफॉर्म किया था वैसा ही सेम हमको डिक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म करना है। बैक में आर्च बना के रखेंगे, सीधा नीचे लाएंगे लोअर चेस्ट पे, और यहां से सीधा ऊपर पुश करेंगे इस तरह से, और जैसे ऊपर पुश करेंगे मसल को स्क्वीज करेंगे एंड ब्रीथ आउट।
इस तरह से आपको डिक्लाइन बेंच प्रेस को परफॉर्म करना है। तो हमारी जो फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज है वो है हमारी केबल क्रॉस ओवर। आपको हैंडल्स को ऊपर सेट कर लेना है और ऊपर से आपको नीचे लेके आना है, उससे हमारा क्या होगा, हमारा लोअर चेस्ट टारगेट होगा अच्छे से। तो इसको किस तरह से परफॉर्म करना है देख लीजिए। ये मैंने इसको ग्रिप किया, एक बार आगे रखूंगा, नीचे झुकूंगा, चेस्ट अप, बैक आर्च, और इसको हम अब कहां तक पीछे लेके आएंगे, हमारी एल्बोज हमारे शोल्डर के लेवल में आएगी इस तरह से, एंड पुश करेंगे। और जब पुश करेंगे तो मसल को स्क्वीज करना है एंड ब्रीथ आउट। इस तरह से आपको केबल क्रॉस ओवर जो एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करना है, और इस पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रेक्शन आपको आपको चेस्ट मसल पे फील होगा। तो इसको आप आपके एक्सरसाइज में जरूर इंक्लूड करें। तो हमारी फोर नंबर की एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है जो थी केबल क्रॉस ओवर। अब हम चलते हैं हमारी फाइव नंबर की एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो फाइव नंबर की एक्सरसाइज है और जो हमारी चेस्ट मसल के लिए लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी चेस्ट फ्लाई मशीन से आपको चेस्ट फ्लाई लगाना है। देखिए किस तरह से परफॉर्म करेंगे। इसमें जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो आपके जो शोल्डर होते हैं और एल्बो, ये एक लाइन में नहीं होनी चाहिए इस तरह से। आपकी एल्बोज हमेशा, आप चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, आपकी एल्बो हमेशा आपके शोल्डर से नीचे रहेगी, शोल्डर की लाइन में नहीं रहनी चाहिए, नीचे रहेगी आपकी एल्बो। किस तरह से देखिए, ये मैंने सुधरी किया, अब मेरी एल्बो कहाँ है, शोल्डर से नीचे। अब यहां से सीधा क्या करूंगा, मैं इसको आगे लेके आऊंगा और मसल को स्क्वीज करूंगा, और जैसे ही दोनों जो हैंडल्स है उनको क्लोज लाऊंगा, मुंह से सांस बाहर छोड़ना है, ब्रीद आउट करना है। देखिए किस तरह से, एंड स्लो रिटर्न। मसल को स्क्वीज करना है आपको और पूरे कंट्रोल में मूवमेंट को रखना है। इस तरह से आपको जो आपकी पांचवें नंबर की एक्सरसाइज थी और जो लास्ट एक्सरसाइज थी चेस्ट फ्लाई, इसको परफॉर्म करना है। तो यहां पर आपका चेस्ट मसल कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए जो भी पांच एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई है वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे ट्राइसेप्स को। तो चलते हैं ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज की तरफ। तो ट्राइसेप में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है पैरेलल बार डिप्स। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, ये कंपाउंड एक्सरसाइज है। इसमें आपका लोअर चेस्ट भी इंक्लूड होता है, आपका ट्राइसेप भी इंक्लूड होगा और आपका शोल्डर भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हम बॉडी को स्ट्रेट करके लगाएंगे तो जो मेन जो लोड आने वाला है वो आपके ट्राइसेप मसल्स पे आएगा। और इसमें एक और चीज गलती होती है कि हम बहुत ज्यादा आगे झुक जाते हैं। जब आप आगे झुक जाओगे ज्यादा तो आपका जो लोअर चेस्ट होता है वो ज्यादा टारगेट होने लग जाएगा। तो देखिए इसको सही तो देखिए इसको लगाने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, आपको इस तरह से हैंड को ग्रिप करना है, पैरों को इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और आप नीचे कहां तक आओगे, नीचे आपको आना है कि आपकी जो एल्बो है वो शोल्डर की लाइन में आ जाए। इस तरह से नीचे आना है आपको, देखिए, और यहां से सीधा आप ऊपर पुश करोगे। बॉडी को बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकाना है आपको, सीधी रखनी है। तो आपका जो ट्राइसेप होगा वो अच्छे से हीट हो जाएगा, ये अच्छे से ट्रेन होगा, अच्छे से वर्क करेगा इस एक्सरसाइज में। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी पैरेलल बार डिप्स। इसके भी आपको तीन सेट लगाने हैं, रिपीटेशन में रखेंगे 12-15। और जिस तरह से आपने चेस्ट में एक्सरसाइज करी है सबके हमने तीन तीन सेट लगाए हैं, रिपीटेशन में रखे हैं 12-15, वैसे ही आपको ट्राइसेप में भी करना है। इसमें भी हम चार रिपीटेशन लगाएंगे, सबके आपको तीन तीन सेट लगाने हैं, रिपीटेशन आप वही रखोगे 12-15। तो ट्राइसेप में आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है हम रोप से लगाएंगे हमारे ट्राइसेप्स के लिए। रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन किस तरह से करना है देखिए, आपको आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट ले लेना है। अब यहां से आपको हिप पीछे रखना है, बैक में आर्च बनाएंगे, आपकी एल्बोस को क्लोज कर लेना है, आपको ऐसी वाइड नहीं होनी चाहिए, क्लोज रखेंगे आप आपकी बॉडी से। और यहां से आपको अब क्या करना है, सीधा नीचे प्रेस करोगे और हाथों को खोलना है आपको इस तरह से, वापिस चेस्ट के पास में लेके आओगे और यहां से सीधा पुश करना है नीचे। इस तरह से आपको रोप से ट्राइसेप पुश डाउन को परफॉर्म करना है, पूरा खोल देना, नीचे लाओगे वैसे ही पूरा खोलना है इसको, हल्का सा होल्ड करोगे एंड स्लो रिटर्न इस तरह से। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज थी रोप ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसके बाद हम चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ।
ट्राइसेप में हमारी जो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है वो होने वाली है डंबल बोथ हैंड। इस तरह से आपको डंबल लेना है, आपको ग्रिप करना है, एल्बोस को जितना हो सके क्लोज रखने की कोशिश करें, सीधा नीचे लाएंगे हाफ रेंज तक सिर के डंबल आपके सिर के पीछे चला है, यहां से सीधा आपको ऊपर की तरफ प्रेस करना है। इस तरह से ट्राइसेप मसल्स को जब ऊपर प्रेस करेंगे तो स्क्वीज करना है आपको, और जैसे ही ऊपर उठाएंगे मुंह से सांस बाहर, ब्रीद आउट। इस तरह से आपको जो आपकी ट्राइसेप की थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है डंबल बोथ हैंड उसको परफॉर्म करना है। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज। तो फोर्थ नंबर की आपकी जो एक्सरसाइज है वो है डंबल किकबैक, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो भी देख लीजिए। इस तरह से आपको झुकना है, बैक आर्च करोगे, हाथों को सीधा बैक के पास में रखोगे, पास में क्लोज। अब यहां से डंबल को सीधा आपको पीछे फेंकना है या प्रेस करना है, किस तरह से देखिए, ये पीछे प्रेस किया, अब स्लो रिटर्न लेके आएंगे, और जब प्रेस करेंगे पीछे की साइड तो मसल को स्क्वीज करना है एंड ब्रीद आउट। इस तरह से आपको डंबल किकबैक को परफॉर्म करना है जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो यहां पर आपका जो चेस मसल था उसके जो पांच वेरिएशन थे वो, और ट्राइसेप मसल जो आपका था और ट्राइसेप के जो चार वेरिएशन मैंने बताए थे वो, ये दोनों ही वेरिएशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपके चेस्ट के और आपके ट्राइसेप मसल के। तो आपका चेस मसल और ट्राइसेप मसल कंप्लीट होने के बाद में अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे एब्स के लिए। तो एब्स के लिए आपको क्या करना है, डिक्लाइन क्रंचेस लगाओगे। किस तरह से, आप हाथ इस तरह से पीछे रख सकते हो, इस तरह से क्रॉस कर सकते हो, जिस भी तरह से लगाओ, जिस तरह से आपको हाथ रखना है। आपको क्या करना है, आपको पूरा नीचे नहीं जाना है। आप कहां तक नीचे जाओगे कि आपका लोअर बैक बस टच होगा, आपका लोअर बैक टच हुआ और आपको ऊपर आना है, और ऊपर भी आपको 90 डिग्री से बाहर नहीं जाना है, 90 डिग्री के अंदर रहना है आपको, जिससे क्या होगा मसल पे कंटिन्यूस टेंशन बना रहेगा, आपके मसल्स पे कंटिन्यू लोड आएगा। इसलिए आपको नीचे जब कहां तक जाओगे कि आपका लोअर बैक हल्का सा टच हो और ऊपर आपको 90 डिग्री के अंदर रहना है। तो इसके आपको पांच सेट लगाने हैं, रिपीटेशंस आप 20 टू 25 रख सकते हो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। देखिए किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये मैंने हाथ क्रॉस किया, ये नीचे गया, मसल को स्क्वीज किया एंड अप। अब मैं 90 डिग्री से बाहर नहीं आया हूं, यही हूं 90 डिग्री के अंदर, और जैसे ही ऊपर आएंगे मुझसे सांस बाहर। इस तरह से आपको इसके पांच सेट लगाना है। जैसे ही आपके पांच सेट कंप्लीट हो गए, डिक्लाइन ही बेंच पे आपको क्या करना है, ओब्लिक क्रंचेस करना है। अब ओब्लिक क्रंचेस किस तरह से करेंगे देख लीजिए, सेम जैसा मैंने आपको बताया कि आपका लोअर बैक जैसे ही टच होगा वहीं तक आपको नीचे जाना है, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना है आपको। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आपको हाथ रखना है, ये नीचे गए एंड आपको आपकी जो राइट वाली एल्बो है उसको आपको आपकी लेफ्ट वाला जो नी है उसके क्लोज लेके आना है। इस तरह से देखिए, और वापिस से वैसे ही जाएंगे, ऊपर आएंगे, ब्रीद आउट, क्रॉस करना है आपको। जब एक साइड पे आपके जितने भी रिपीटेशन कंप्लीट हो जाए, जो भी आप आपकी स्ट्रेंथ के, जो भी आप आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगा सको, 12, 15, 20, फिर आपको दूसरे साइड परफॉर्म करना है सेम वैसे ही। इस तरह से आपको दोनों साइड तीन तीन सेट परफॉर्म करने हैं, और आप ध्यान रखो कि मूवमेंट को पूरा कंट्रोल में रखना है आपको, आपका जो एब्स वाला जो एरिया है उस पर कंटिन्यू टेंशन रहना चाहिए मसल पे। तो यहां पे आपकी एब्स की जो दो एक्सरसाइज थी, डिक्लाइन क्रंचेस और डिक्लाइन ऑब्लिक क्रंचेस, ये कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारी एब्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो एब्स में आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम ट्रेन करने वाले हैं हमारे लोअर एब्स को। तो लोअर एब्स को किस तरह से ट्रेन करना है, क्योंकि अभी हमने डिक्लाइन बेंच पे हमारे डिक्लाइन जो क्रंचेस होते हैं हमारे अपर एब्स उनको, और हमारे जो ऑब्लिक्स होते हैं डिक्लाइन ऑब्लिक क्रंचेस जो हमने एक्सरसाइज की थी इसको, तो हमारे अपर एब्स और हमारे जो ऑब्लिक है दोनों ट्रेन हो चुकी है, बचे हमारे लोअर एब्स। तो लोअर एब्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। इस तरह से आपको जिम में अगर बॉल हो तो आपको बॉल ले लेनी है, मेडिसिन बॉल बोलते हैं इसको, और अगर बॉल नहीं हो तो आप किसी भी डंबल का यूज भी कर सकते हो। अब इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे देखिए, आपको
इस तरह से एक पैर से बॉल को लेना है, वापस डाउन जाएगा वही वाला पैर, फिर दूसरा ऊपर आएगा, फिर इसमें से इसको निकालना है इस तरह से। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इससे आपके लोअर एब्स अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज से आप बोर भी नहीं होंगे, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको लोअर एब्स को परफॉर्म करना है। अब इसके बाद में हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो वही है हमारे प्लांक। आपको मैक्सिमम टाइम प्लांक करना है, वही सेम पोजीशन जैसे मैंने आपको पहले बताया है प्रीवियस वीडियोस में, आपने देखा ही होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख ले। आपकी जो एल्बोज है वो शोल्डर के जस्ट नीचे रहेगी, इस तरह से हाथों को इस तरह से क्रॉस कर लेना है, टो पे बॉडी को ऊपर उठाना है। जो ओवरऑल बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। जब आप प्लांक वाली पोजीशन में आओगे इस तरह से देखिए, इस तरह से इसमें आपको सांस लेते रहना है और छोड़ते रहना है, आपको ब्रीथ को रोक के नहीं रखना है, और आप मैक्सिमम टाइम होल्ड करोगे। इसके आपको दो सेट परफॉर्म करना है मैक्सिमम टाइम होल्ड। और इससे पहले जो मैंने आपको हमारे लोअर एब्स के लिए जो एक्सरसाइज बताई थी, ये मेडिसिन बॉल से इस तरह से, इसके आपको पांच सेट लगाने हैं, इसके पांच सेट लगाने हैं, और मैक्सिमम रिपीटेशंस आपको लगाने की कोशिश करनी है, जितनी भी आप लगा सको मैक्सिमम। अच्छे से आपको लोअर एब्स में पेन होना चाहिए, तब आपको रुकना है, रेस्ट करना है। और सेट के बीच में हमारा जो रेस्ट का पीरियड होगा वो 30 सेकेंड लगा के 1 मिनट का होगा, इससे ज्यादा हमको रेस्ट नहीं करना है। तो यहां पर आपकी एब्स की भी जो भी एक्सरसाइज थी वो सारी कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर आपका डे 44 वाला जो हमारा वर्कआउट सेशन था, जो हमने वर्कआउट प्रोग्राम हमारा चला रहा था 1 महीने से, वो हमने चेंज किया, और आज डे 44 है हमारा। और आज है मंडे, तो मंडे के दिन हमने ट्रेन किया है हमारे चेस्ट मसल को, हमारे ट्राइसेप्स को, और हमारे कोर मसल को, या जिसको हम एब्डोमिनल एरिया बोलते हैं। इसमें हमने हमारे अपर एब्स, लोअर एब्स और हमारे ओब्लिक्स को अच्छे से ट्रेन किया है। तो ये हमारा नया शेड्यूल है, इसको हमको 1 महीने तक फॉलो करना है। तो रोज आपको जो हमारे 7 दिन के जो वर्कआउट होने वाले हैं, अलग अलग वर्कआउट होगा, तो 7 दिन आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाले हैं कि हमको हमारे 7 दिन का वर्कआउट किस तरह से परफॉर्म करना है। और जब आपको ये 7 वीडियो मिल जाए तो आप इसको क्या करोगे, आपको 4 हफ्ते तक इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद में हमारा जो वर्कआउट चेंज होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 1 महीने तक अभी जो मैं आपको 7 दिन तक जो वर्कआउट बताऊंगा उसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे हमारा जो वर्कआउट होने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरह से आपको हर वीक इन वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो करना है कि मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है। इसी तरह से हमारा मंडे टू सैटरडे क्या वर्कआउट होने वाला है आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो 1 महीने तक आप इन सब चीजों को फॉलो करना, किस तरह से हमारी एक्सरसाइज होने वाली है। आज हमने, जैसा कि आपने देखा है वीडियो में, हमने ट्रेन कर लिया हमारे चेस्ट मसल को, हमारे ट्राइसेप को, और हमारे अपर एब्स, लोअर एब्स, हमारे ऑब्लिक्स को। तो कल हमारा क्या वर्कआउट होने वाला है वो आपको कल वीडियो मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप आप लोग इस फैट टू फिट 120 डेज की जो हमारी जो फैट लॉस सीरीज चल रही है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको रिजल्ट भी आ रहे होंगे। आप मेरी कंडीशन देख ही सकते हो, पहले से फैट बहुत ज्यादा कम हो गया है, और आपको थोड़े बहुत मसल डेवलपमेंट भी बॉडी में देखने को मिल रही होगी। सो गाइज, ये था हमारा पूरा वीडियो डे 44 वाला, कि डे 44 को हमारे चेस्ट को, हमारे ट्राइसेप को और हमारे एब्स को हमको किस तरह से ट्रेन करना है। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लें, उसके पास में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी ऑन कर लें। सो गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। डे 45 में हम क्या वर्कआउट करने वाले हैं आपको वीडियो कल मिल जाएगा ट्यूजडे के दिन। सो गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।